संभाल के संभाल के, आराम से आराम से आराम से, आराम से घबराइए घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्या सर मित्र पर। जस्ट अभी अभी हमें सूचना मिली है कि जौनपुर जिले के किराकत के पास में, अंकल जी किराकत के पास में कुएं के अंदर कोई नीलगाय गिरा हुआ है और उसको निकालने के लिए वहां पर प्रशासन के लोग पहले से ही पहुंचे हुए हैं, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग और पुलिस के कुछ लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो लोग ट्राई कर रहे हैं ग्रामीणों के साथ मिल करके उसे बाहर निकालने का, लेकिन अब तक वो लोग उसे बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो वहीं से किसी ने हमें इसके बारे में सूचना दी और बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पर एक नीलगाय कुएं में दो तीन दिन से गिरा हुआ है, आज प्रशासन के लोग भी उसको निकालने के लिए, वो निकाल नहीं पाए हैं, तो आप लोग भी आइए और साथ में मिल करके इसको बाहर निकाला जाए। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोग या फिर फायर ब्रिगेड के लोग या फिर फॉरेस्ट के लोग मतलब काम सही से नहीं करते, मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो लोग ऑलरेडी पहले वहाँ पर पहुँचे हुए और उसको निकालने का ट्राई कर रहे हैं, तो सब लोग अपना काम बहुत बेहतर ढंग से करता है, बस बात ये होती है कि उन तक सूचना नहीं पहुँच पाती है। ज़्यादातर रेस्क्यूज करते तो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर अन्य विभागों को कोसते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सब लोग अपने काम को लेकर के, अपनी ड्यूटी को लेकर के वो है, जागरूक है, और एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हम सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग जानवरों की मदद करें, बेजुबानों की मदद करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर किसी रेस्क्यू टीम के भरोसे ही बैठना पड़ेगा। अगर कहीं पर कोई नॉन वेनमस जानवर है जिसको आप आसानी से रेस्क्यू कर सकते हैं, अगर सांप वाप नहीं है, जैसे छोटा मोटा कोई कुत्ता बिल्ली या फिर नीलगाय या फिर ऐसा कोई छोटा जानवर हो गया, जैसे गाय बैल कई बार होते हैं घायल हो जाते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनका रेस्क्यू करना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग रास्ते में और कुछ ही टाइम हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो जो भी होगा सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो बिना वक्त गवाए हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचने का ट्राई करें, चलिए चल के देखते हैं वहाँ पर वो कैसी स्थिति में और उसे सुरक्षित ढंग से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। रस्सी वहाँ पर पर्याप्त है भाई, रस्सी वहाँ पर्याप्त है ना, पूरा ले गई वहाँ 50 झूठ कर रहे, कोई नहीं करने दीजिए, कर ले रहे हैं, ठीक है नहीं कर पाएंगे देखा जाएगा। ले लो भाई ये खाते हैं, तुम ले लो, बैग नहीं लेना है, ले लो भाई बैग में, तो वो है क्या स्प्रे कहाँ रखे हैं, इस पर रखा है, चलिए कोई है तो अपडेट लो, कोई है वहाँ पर तो फोन करके अपडेट लो, किसी को कॉल करो पूछो कि क्या हुआ, निकला नहीं निकला। अच्छा जहाँ आपका था वो उसके तो यार, अच्छा देखो कौन निकलता है। यहाँ पहुँचने पर हमें ये पता लगा कि इन लोगों ने इसे बाहर तो निकाल लिया, लेकिन इसके शरीर में बहुत ज़्यादा चोट आया हुआ है और इनके पास उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले से ही अपने साथ मेडिसिन लेकर के आए हैं, ऐसे में हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही इसे रिलीज करेंगे। हमने इन लोगों को बोल दिया था कि आप लोग उसे छोड़िए नहीं, उसे जाने मत दीजिएगा। और यही वो कुआं है जिसके अंदर ये नीलगाय गिरा हुआ था, आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पतला और गहरा है, और ये वो नीलगाय है जो कि घायल हो गया है, आप देख सकते हैं इसके शरीर पर हर जगह चोट लगा हुआ है, ऐसे में हम लोग हर जगह पर मेडिसिन अप्लाई करेंगे जिससे कि इसके घाव में सड़न पैदा ना हो। फिर रस्सी खुल गई हर जगह से ना, रस्सी खुल दी है, हाँ ये लग जाएगा ना, तो मैगेट बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, वो हिल हो जाएगा तुरंत से, संभाल के संभाल के, आराम से आराम से आराम से, घबराइए नहीं घबराइए, घबराइए नहीं घबराइए नहीं घबराइए, ताकत में तेजी से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दबा रखी नहीं, हाँ इधर इधर हाथ लगाइए, इधर इधर ज्यादा ताकत लगाइए, कहीं और लगाइए, सीढ़ियाँ पकड़ यार भाई, सीढ़ियाँ दबाओ, घर पे आगे भी लगा संभाल के पैर के पास, आने कोई दिक्कत नहीं, मालिक दवाई इधर से, इधर दवाई ज्यादा तक, इधर भैया लगा था दवा,
अरे ना मारे भैया घुरा से कोई दिक्कत नहीं उधर से सिदिक पास है लग गया हर जगह तो उसको छोड़ दीजिए लग गया लग चलिए बस सब छोड़ दे छोड़िए आराम से भाई आराम से अरे भाई भल्ला जाना भल्ला ये से फिर आ रहा है तो रहा है क्या पैर और एकदम सही हो हां बच गया सब सब चलिए एकदम अरे यार ये सब कुआं बहुत खतरनाक हो इसे जो ने बॉर्डर ना हो बहुत गहरा गहरा कुआं है अरे उसमें ढका हुआ था सर कौन चीज से ढका लालो अरे वो साफ्टी लाल बीच में ना मतलब थोड़ा गया है ना अच्छा ये पूरा चले लेकिन बहुत आप लोग और यहाँ पर सभी लोगों की सहयोग से इस नीलगाय को सुरक्षित ढंग से बचाएगा और जिसमें सर लोगों का विशेष कर योगदान रहा इन लोगों ने हमसे पहले उसको रेस्क्यू कर दिया था हम लोग आए तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह करके उसको छोड़ दिया गया तो फाइनली काफी ज्यादा मशक्कत के बाद उस नीलगाय को बचा लिया गया उसको निकालने के लिए तो हमने ज्यादा मशक्कत नहीं किया मतलब हमें मेहनत करना ही नहीं पड़ा हमारे वहां पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने पुलिस के लोगों ने और फायर ब्रिगेड के लोगों ने साथ में ग्रामीण लोग भी थे ग्रामीणों का पूरा योगदान था उसे बाहर निकालने में उन लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया था लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी जिस पर हम लोगों ने मेडिसिन अप्लाई कर दिया अगर वहाँ पर मेडिसिन नहीं लगाई थी तो उसके घाव पर बाद में सड़न पैदा हो जाती और कीड़े पड़ जाते उसकी मौत भी हो जाती इसलिए वहाँ पर मेडिसिन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कई जगह पर उनकी जीभ नहीं पहुँच पाती ऐसा कहा जाता है मतलब ऐसा माना जाता है कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी होती हैं कि जानवर अगर अपनी जीभ से खास करके कुत्ते कोई घाव वगैरह को चाट लेते तो वो सही हो जाता है तो ऐसा था कि कई जगह पर ये खुद से उसका ध्यान नहीं दे पाता अपने घाव का और वहाँ पर कीड़े पड़ जाते लेकिन हमने वहाँ पर मेडिसिन स्प्रे कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी कीड़ा नहीं पड़ेगा और कुछ दिन में वो घाव सूख जाएगा और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा तो आज की वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पुलिस का और फायर ब्रिगेड का काम आपको कैसा लगा आप ये भी हमें कमेंट में बताइएगा और एक और बात इस तरह के रेस्क्यूज को ग्रामीण लोग भी खुद से मिलकर कर सकते हैं कई बार उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे या वो खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है वहाँ पर उसको बाहर निकाला जा सका तो सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की वजह से मतलब कई सारे लोग इकट्ठा हुए कई सारे लोगों का दिमाग लगा कई सारे लोगों का ताकत लगा कई सारे लोगों का संसाधन लगा तब जाकर के उस नीलगाय को बाहर निकाला जा सका अक्सर होता है कि ग्रामीण इलाकों में लोग ऐसा कोई जानवर होता है जो कभी घायल रहता है चोटी रहता है फिर कहीं गिर गया रहता है तो उन्हें लगता है कि हम इसे नहीं बचा पाएंगे या फिर अकेले कर नहीं पाएंगे और जब हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं और हम लोग उस काम को कर लेते हैं तो मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग को जब भी कभी ऐसा कोई जानवर दिखाई दे जो कि आपके लिए डायरेक्ट खतरा ना हो यानी कि एक तरह से कहें खतरनाक या जानलेवा या फिर जहरीला ना हो तो आप उसकी मदद जरूर किया करें क्योंकि इंसान होने के नाते सबसे ज़्यादा समझदार होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और हमारा धर्म होता है कि हम बेजुबान जीवों के कमजोरों की मदद करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किशोर बने तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत।